तो फाइनली आया मैं धनुष कोटी। बाप रे, बहुत बहुत फालतूगिरी करना पड़ा इधर आने तक। एक्चुअली राइट नाउ ये पूरा इसके लिए रखा है, क्या बोलते हो उसे, कंस्ट्रक्शन के लिए रखा है। बिकॉज ये अभी फिलहाल टूरिस्ट के लिए बंद है। अभी वो क्यों बंद है, कैसे बंद है और मैं कैसे आया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फिलहाल जस्ट लुक एट दिस। तो व्हाट्स योर नेम? प्रकाश। प्रकाश, एक्चुअली वी बोथ गॉट द परमिशन एट द लास्ट मोमेंट एंड मिस्टर प्रकाश इज फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर एडवोकेट। या ही इज अ एडवोकेट एंड सो आई एम सेफ राइट नाउ। इफ माय इफ आई गेट एनी ट्रबल आफ्टर गेटिंग लेट देयर देन ही कैन बी सेव मी। ओके सर, 100%। हां एंड ये देखो, ये थोड़ा सा दिख रहा है राम सेतु का, ये देखो शायद वो राम सेतु है, आई एम नॉट श्योर बट मतलब ये जब बनेगा अच्छे से तो काफी अच्छा दिखेगा ये। चलो अभी टाइम खत्म हो रहा है, सो इट्स टाइम टू लीव धनुषकोटी एंड मेरा whatever you are going to capture now, entire thing I want. Okay, no problem. So अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि 4 मिनट में पहुंचना है और कंस्ट्रक्शन गोड़े जो इन्होंने, नहीं तो इससे भी काफ़ी खूबसूरत होता है और अभी और खूबसूरत बनेगा। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है एंड आगे आप जाओगे तो एक लाइट हाउस है। ये एक्सपीरियंस लेना चाहता था मैं कसम से यार, ये एक्सपीरियंस लेना चाहता था। Sir, can you take my pic on my bike? Pardon? Can you take one pic on my bike? Definitely, why not? Wait. Hello. Ah. Orta ja. I almost thought ki nahi milega. South India last video. But thanks sir. और ये हमारे प्रकाश सर है जो इधर उधर के नाच रहे और सनसेट होते हुए। और एक अच्छा, ये टूरिस्ट के लिए बंद रखा है इसके लिए यहाँ पर काम चल रहा है, इससे भी खूबसूरत होगा। तो मतलब अरे वापस एक बार आएंगे हम लोग और पता नहीं वो लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं एक बार बोल रहे कि कोरोना पेशेंट खान यहाँ मिला है करके, बट पता नहीं है। इसके लिए वो लोग ने 6 महीने के लिए बंद रखा है क्योंकि 6 महीने में ये लोग पूरा ये कर देंगे, पूरा रिनोवेट कर देंगे। और ये है धनुषकोटी बीच, ये यहाँ भी जाना अलाउड नहीं है, तो फिर वो साइड में अलाउड मिल जाता था अपने को। हाँ बाप रे, सोचा नहीं था कि ये भी होगा कि नहीं। एक अच्छा हुआ कि अगर मैं जरा भी ट्राई नहीं करता था ना और ऐसे ही, तो काफी मतलब
दिल में रख के मेरे को ये करना पड़ता, इतना मेरे को बुरा लगता था। और जो अबैंडन हुआ हुआ टाउन है ना, वो भी शायद से उधर ही है, पर अभी वो देखने के लिए टाइम नहीं है। ये वो एक लाइट हाउस लगता है बनने वाला है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है वैसे भी। जितना भी है यार बहुत खूबसूरत है, मतलब अभी इतना खूबसूरत है, बाद में रहेगा तो कैसा लगता। ये यार ऊपर वाले की देन है, जो लाइट हाउस बनेगा ये भी शायद एक टूरिस्ट स्पॉट ही बन जाएगा। हाँ लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस। और ये एक्चुअली छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप है, यहाँ सी फूड मिलता है यहाँ। मैंने नेट पर देखा था, पर फिलहाल कोई भी फंक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। कोई टूरिस्ट नहीं आएगा तो क्या खाएगा क्या। एंड अबैंडन टाउन ऑफ द धनुषकोटी इज़ हियर समवेयर। हाँ यहाँ ये वो एक चर्च है छोटा सा, उसको अबैंडन करके रखा है लोग ने, शायद से वही है, गोस्ट टाउन ऐसा भी बोलते हैं। और ये यहाँ के लोकल्स है। तो आज का दिन एक अचीवमेंट से मेरे लिए कम नहीं है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मेरा ये मतलब ख्वाब था, जो छोटे छोटे ख्वाब रहते हैं ना, कि इच्छा थी कि बाइक चलाकर मैं कन्याकुमारी जाना था, फिर धनुषकोटी आना था। तो उसमें से कन्याकुमारी लगभग हो चुका था, मतलब है, आप ब्लॉग भी देख सकते हो, बट बाइक से नहीं, घर वालों के साथ गया था। एंड ये धनुषकोटी मेरे लिए था ड्रीम कि हाँ ये बाइक से ही करना है, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक नहीं हुआ, बंद है भाई। तो बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ये सब बंद है, ये इसमें तो अब क्या कर सकते थे, क्या कर सकते। बाकी काफ़ी विनती की उन गार्ड्स को, दो जो गार्ड थे, काफ़ी उनको बोला कि सर मैं मुंबई से आया हूँ, ये कर रहा हूँ, प्लस प्लीज़ आधे घंटे के लिए जाने दीजिएगा, ये कर दीजिए। बट उन्होंने कहा यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, ये पुलिस लो। मैं गया भी, मैं दो पुलिस चौकी गया, एक रामेश्वरम के पुलिस चौकी में और एक धनुषकोटी के पुलिस चौकी में, जो दोनों के तरफ से ना 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 आ रहा था। पर फाइनली उनके पास जाके मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा। मीनवाइल एक जो अपने ब्लॉग में देखा था, जो एडवोकेट थे मेरे साथ, उन्होंने शायद से परमिशन निकाला था। तो एक्चुअली उनको परमिशन बाइक का मिला था, टू व्हीलर का मिला था, कार का नहीं मिला था। तो अभी मैं बाइक में आ गया था तो उनके पास परमिशन था, तो उन्होंने कुछ जुगाड़ करके बोला कि कैन आई सिट बिहाइंड यू एंड कम। मैंने उनको बोला कि सर आपने परमिशन लिया है क्या। बोले कि हाँ मैंने परमिशन लिया है, बस मुझे एक बाइक चाहिए आपके साथ आना चाहता। बोला अच्छा है भाई, साथ मतलब बेटी गंगा में हाथ धो लेने हैं। इसके लिए मैंने उनको अपने बाइक पे लिया, और वो पुलिस वालों ने बोला था कि चार बजे तक आ जाना करके, तब शायद से 3:15, 3:16 कुछ तो बचे थे। तो मैंने 100 के स्पीड पे गाड़ी भगाई पहले बार, मतलब इस ट्रिप में पहले बार 100 टच किया था मैंने बाइक से और गया। पर एक्चुअली हुआ कैसा कि हमें बताया गया था कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं करके, बट एक्चुअली दोनों साइड में जो रोड्स है, रोड्स का रिन्यूवेशन चालू था। तो काफ़ी सारे JCB और ऐसे आपने ब्लॉग में देखा रहेगा कि पत्थर उत्थर से गिरे हुए थे करके। तो नो धनुषकोटी अपने पहले वाले ब्यूटी में नहीं था अभी, क्योंकि उसको रिनोवेट करेंगे तो अगले 6-7 महीने में और भी अच्छा दिखेगा, और जब चालू हो जाएगा तो फिर काफ़ी खूबसूरत होगा, एक बार वापस आना बनता है यहाँ। तो वही चीज़ था, बट अगर आज के दिन मुझे मिलता नहीं था ना यहाँ जाने का चांस, तो कसम से यार मेरा आधा ट्रिप तो ऐसे ही फुकट जाता था। एक्चुअली मेरा प्लान था
कोयम्बतूर, धनुषकोटी एंड पुदुचेरी। बट पुदुचेरी शायद से नहीं हो रहा हो पा रहा है मेरे से टाइम के वजह से, एंड ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं निकल रहा था तो हैदराबाद में बाढ़ आ के गई थी, तो हो गया था नॉर्मली। बट दूसरा चीज़ ये था कि मैं कोयम्बतूर में एक डे स्टे लिया मैं, क्योंकि स्टे लेने वाला नहीं था मैं, बट एक डे स्टे लिया मैं क्योंकि पहले दिन 500-600 किलोमीटर से मेरी एकदम लग गई थी, एंड गोकर्णा से यहाँ भी आने के लिए कोयम्बतूर आने के लिए भी मेरी पक्की लग गई थी, दो दिन कंटिन्यूस फट गई थी मेरी, लिटरली फट गई थी, क्योंकि 600 किलोमीटर और वहाँ से मैं केरल से आ रहा था, केरल के हाईवे काफ़ी छोटे, रोड और चलाने और गाड़ी चलाने वाले भी एकदम रैश ड्राइविंग करने वाले, तो काफ़ी मतलब एक डेंजर पाथ से मैं होते होते यहाँ तक आया। तमिलनाडु का इतना इशू नहीं है, तमिलनाडु के लोग ज़्यादा डिसेंट है, रोड भी अच्छे खासे वाइड है, तो हो जाता है सब। तो अभी बकेट लिस्ट में तो पुडुचेरी है ही, तो मे बी अगले साल या उसके अगले साल तब तक शायद से नया बाइक भी होगा, या फिर कोई साथ में भी रहेगा, या फिर कोई नहीं रहेगा, नहीं मोस्टली दोनों में से एक तो रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको आज का मेरा जो मैंने पूरा अपना वो स्ट्रगल तो दिखाया नहीं, मैं यहाँ वहाँ गया वो दिखाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे वजह से कोई तकलीफ में आए करके, तो इसके लिए मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। सो फिर तो जो भी किया हाउ मतलब एकदम एक एक मतलब जितना भी रिकॉर्ड हुआ है एक इसमें ही एक शॉट में ही किया मैंने, ज़्यादा मैंने कुछ रीटेक्स वीटेक्स किए नहीं, कभी टाइम का कम था मेरे पास। तो आज के एफर्ट के लिए भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मैंने थोड़ा एफर्ट डाला है आपके लिए, अपने खुद के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा यू नो बाकी एज ऑलवेज तुमसे तुम्हें बगुन क्या।